एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर उनके मुल्क का नेशनल फ्लैग क्यों नहीं लगाया गया। दरअसल बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को कुछ खास देशों के स्वतंत्रता दिवस पर नेशनल फ्लैग के रंग से रोशन किया जाता है। 13 अगस्त की रात सैकड़ों पाकिस्तानी इस उम्मीद में बुर्ज खलीफा के सामने जुटे कि बिल्डिंग पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के रंग से जगमगाएगी। हालांकि जब रात 12 बजे के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो वो सख्त खफा हो गए। एक महिला ने कहा, ये पाकिस्तान की हैसियत और ये है हमारा स्टेटस। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। 13 अगस्त की रात सैकड़ों पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा के सामने इस उम्मीद से पहुंचे कि कुछ देर में यह इमारत उनके नेशनल फ्लैग के कलर से रोशन होगी। बहरहाल ये नहीं हुआ तो उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि लोग यूएई की सरकार के रवैये से भी नाराज हैं। बाद में यूएई की सरकारी अफसरों ने साफ कर दिया कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग नहीं लगाया जाएगा। इससे पाकिस्तानियों की नाराजगी और बढ़ गई। कुछ लोग नारेबाजी भी करते देखे गए। हालांकि दुबई के सख्त कानूनों को देखते हुए वो भारी मन से लौट भी गए। पाकिस्तानियों का कहना है कि इसी साल 26 जनवरी को भारत के रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का नेशनल फ्लैग बुर्ज खलीफा पर रोशन नजर आ रहा था, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।